ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत यहां पर हो गई है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक रहेगी वोटिंग और 1304 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी आज। तो अगर आप पंजाब में रहते हैं, आप घरों से बाहर निकले, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है वोटिंग, मतदान। अपने मत का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल पंजाब में बड़े ही उत्साह के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। राज्य के 2.14 करोड़ मतदाता कुल 1300 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। पंजाब से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वर्णजीत सिंह बाबा। स्वर्णजीत जी, पंजाब में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल किस तरह का उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं मतदान को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इस समय लालड़ू में और लालड़ू में महिलाओं में काफी ज्यादा जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह 8 बजे से ही महिलाओं की कतार जो है वो पोलिंग स्टेशन पर लगना शुरू हो गई थी और यहाँ पर पोलिंग जो यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं पोलिंग एजेंट है, उन्होंने बताया हमें 7:35 पर ही यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो चुकी थी और महिलाएं काफी संख्या में लालड़ू पंजाब में यहाँ पर मतदान के लिए आ रही हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किया है, यहाँ पर वैक्सीनेशन का भी इंतजाम है जी। यहाँ पर वैक्सीनेशन का बिल्कुल, अगर हम लालड़ू की बात करते हैं स्वर्णजीत जी, तो किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए लालड़ू में, लालड़ू जो है वो डेराबस्सी विधानसभा में यहाँ पर आता है। डेराबस्सी विधानसभा में 5 प्रत्याशी हैं, एक तरह से मैं बताऊंगा 5। कांग्रेस से दीपिंदर सिंह ढिल्लों हैं, जो है एनके शर्मा अकाली दल से है, जो मौजूदा विधायक भी हैं, 2 बार से लगातार विधायक बन चुके हैं। कुलजीत रंधावा जो है आम आदमी पार्टी से है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है, तो उनके प्रत्याशी संजीव खन्ना भी हैं और किसान संयुक्त मोर्चा से अवतार सिंह है। तो लगभग 5 जो प्रत्याशी हैं इस बार चुनावी रणभूमि में है, लेकिन इस समय मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी में। आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में 13 हल्के में नहीं नजर आ रही, गांव में जरूर आम आदमी पार्टी की चर्चा जो है चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान रही, लेकिन इस समय मुकाबला जो है वो करीब टक्कर जो है यहां दिखाई दे। बिल्कुल, अगर वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक यहां पर हो पाई है? अभी आधे घंटे पहले हमने जो डेटा लिया था तो 27% मतदान जो है यहाँ पर हो चुका है और अभी मतदान जो है वो लगातार महिलाओं और पुरुषों का आना जारी है और खास तौर पर यहाँ प्रशासन द्वारा एक इंतजाम और किया गया, व्हील चेयर जो है वो पोलिंग एजेंट उसका भी खासा ख्याल रखे हुए, जो बुजुर्ग चल नहीं सकते और व्हील चेयर पर उन्हें लाया जा रहा है। अभी जी देखिए कि एक व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग को लाया जा रहा है और आप ये देख सकते हैं कि काफी जो है प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसी यही कारण है कि पोलिंग प्रतिशत जो है बढ़ने। स्वर्णजीत, ये भी माना जा रहा है कि जो विकलांग लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं उनको प्रशंसा पत्र भी दिया जा रहा है, उनको उनके हौसले अफजाई के लिए। बिल्कुल, प्रशंसा पत्र के साथ साथ उनका छाया चित्र भी जो है वो लिया जा रहा है। यही कारण है कि मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि महिलाओं में देखिए, हमने जितने भी विकलांग भी अगर हमने देखे तो उनमें भी प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की प्रतिशत ज्यादा रही उसमें और बिल्कुल प्रशंसा पत्र के साथ साथ छाया चित्र भी लिया जा रहा है पोलिंग एजेंट्स के द्वारा। बिल्कुल, क्या स्वर्णजीत आप बातचीत कर सकते हैं? वहाँ काफी लोग मौजूद हैं जो कि वोटिंग के लिए आए हैं, क्या उनसे बात करेंगे आप? किन किन मुद्दों को लेकर वो आए हैं, क्या कुछ उनका कहना है? मैं प्रयास करता हूँ। देखिए आप मेरे साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की काफी कतार जो है लग रही है और आप ये देखिए, अगर मैं बात करूँ बुजुर्ग महिलाएं भी इस समय अपना घर का काम काज छोड़ करके यहाँ मौजूद है, तो कैसा लग रहा है? बहुत आगे आएगा है?
वोट डालने आए, तो किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं। मुद्दे क्या रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करने आए वोट? किन मुद्दों को रख करके आप आज वोट करेंगे? किन मुद्दों को रखेंगे? क्या सोच कर वोट डालने आए हैं? क्या सोच रहे नहीं, मैं ये नहीं सोचता कि इसके बारे में, ये सोच रहा हूँ कि आप वोट करने आए हैं तो क्या मुद्दे दिमाग में रखे हैं कि ये सोच करके मैं इस कैंडिडेट को वोट डालूं? मोनिका एक बात, देखिए मोनिका मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, पंजाब में जो चुनाव है किसी पार्टी ने बात की पंजाब मॉडल की तो किसी बात पार्टी ने बात की नया पंजाब की तो किसी पार्टी ने बात की दिल्ली मॉडल की, लेकिन बाद में चलते चलते ये चुनाव प्रचार प्रसार को सांप्रदायिक रंग भी दिया गया, लेकिन आज जो मतदान पर मतदान केंद्र पर यहाँ मतदाता मौजूद है वो विकास को ही ध्यान में रखकर अपना मतदान कर रहा है, और लगातार इसी बात के ऊपर बात हो रही है कि जो कैंडिडेट जो प्रत्याशी विकास और जो हल्के के विकास के बारे में सोचेगा हम मतदान उसे ही करेंगे। बिल्कुल, और उत्साह हमने देखा जिस तरीके से आपने सुनिश्चित बात की, महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है ये भी हम देख रहे हैं, लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, और किस तरह की रफ्तार वोटिंग में देखी जा रही है, उत्साह तो देखा ही जा रहा है, लेकिन क्या लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं? देखिए संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अभी एक घंटे पहले की अगर मैं बात बताऊं तो थोड़ी सी संख्या में कमी देखी गई थी, लेकिन अब लगातार जो है यहाँ पर संख्या में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर जितने भी मेरे साथ यहाँ पर बीएलओ साहब भी हैं और उनसे भी जानेंगे कि आप मेरे साथ बने रहे, बीएलओ साहब कितने प्रतिशत आपको लगता है कि मतदान में किया? अभी तो सर यहाँ पे अब जो हुआ अच्छा 46% हो चुका है, तो किसी तरह का कोई यहाँ पर शरारती तत्वों द्वारा बड़ा कोई इस तरह की नहीं है, बड़ा अपने और ये अपना काम कर करके चुनावी स्वास्थ्य अब आप ये देख सकते हैं कि देखिए अभी एक नया डाटा जो बाहर निकल कर आया एकदम ही प्रतिशत में वृद्धि जो है वो देखने को मिली है, और महिलाओं का बार बार हर एक शख्स से हम अगर पूछ रहे हैं तो यहाँ लालड़ू में तो काफी रुझान महिलाओं का दिखाई दे रहा है, और प्रतिशत में भी मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी जो है वो दिखाई दे रही। बिल्कुल सुनिश्चित, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है वोटिंग मतदान, तो यहाँ पर फिलहाल आप किस तरह का क्या कुछ चुनावी माहौल देख रहे हैं? देखिए चुनावी माहौल बिल्कुल ये सबसे बड़ा पर्व है हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, और यहाँ पर काफी बढ़ चढ़ के लोग उत्साहित रहते हैं और अपने भागीदारी दर्ज करवाते हैं, लेकिन अभी मेरे थोड़े समय पहले ही एक बूथ कैप्चरिंग की भी खबर जो है जीरकपुर यही डेरा बसी विधानसभा क्षेत्र का यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जीरकपुर है, वहां से बूथ कैप्चरिंग पर भी बूथ नंबर 92, 93 और 94 में बूथ कैप्चरिंग की खबर भी हम तक पहुंची है, तो हम कोशिश करेंगे वहां चल करके अपने ताजा हालात जो अपने दर्शकों के लिए लेकर के जरूर आए। लेकिन बात अगर मैं पंजाब चुनाव की करूं, क्योंकि हम लगातार पंजाब चुनाव को हमने हर विधानसभा में जाकर के वहां का माहौल जो है जायजा लेने का प्रयास किया, तो लोगों में काफी उत्साह इस बार 2022 का जो चुनाव है वो मोनिका बहुत ज्यादा फर्क है इसमें 2017 से, क्योंकि यहाँ पर पार्टियां जो है अगर मैं बात करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल इस समय अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही किसान भी संयुक्त समाज मोर्चा और किसान मोर्चा के अंतर्गत जो है। इस बार दिलचस्प बात ये भी नजर आ रही है कि विकल्प के तौर पर लोगों के पास इस बार आम आदमी पार्टी भी है। बिल्कुल, और ये चुनाव को और दिलचस्प बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनिश्चित, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर, नमस्कार।